ਠੀਕ ਆ ਐ ਕਰੀ ਪਰਚੀ 2500 ਦੀ ਕੱਟਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਕੰਡੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਆਹੋ ਬਥੇਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਫੇਲ ਹੋਏ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ Hello everyone, how are you all? As you can see, we are watching a wonderful Punjabi movie, Vekh Baratan Chaliyan. बहुत ही अच्छी movie है मैंने पहले भी देखी हुई है लेकिन क्योंकि मेरे husband ने नहीं देखी थी तो आज मेरा सुबह से ही mood था कि मैं ये movie buy कर लूँगी YouTube पे और हम दोनों बैठ के movie देखेंगे क्योंकि आज मैं थोड़ा free थी मेरा आज कोई shoot भी नहीं है तो इसलिए मैंने decide किया था लेकिन मोदी जी का एक नारा है ना खाऊँगा ना खाने दूँगा और ऐसे ही मेरे हस्बैंड मिस्टर कुलदीप सिंह जी का भी एक नारा है ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा तो हम जस्ट मूवी देख रहे थे बैठ के और सडनली पता नहीं मूवी देखते देखते कहाँ से इनको ये ख्याल आया कि हमारा एक वो वाला इम्पोर्टेंट काम जो पेंडिंग हो रहा है तो चलो आज उसी को कर लेते हैं तो पूरा मूड स्पॉयल हो गया मेरा मैं कभी नहीं उठती क्योंकि जब मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे इंजॉय करना है आज मुझे ये मतलब अपने लिए स्पेशली एक टाइम निकालना है तो मैं उठती नहीं हूँ फिर चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन वो काम सच में बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम उसको पेंडिंग कर रहे हैं उसके लिए प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है जैस्मिन को भी तो इसलिए आज वो काम हमने फिर डिसाइड किया कि कर लेते हैं तो अभी वो चले गए नहाने और मुझे लंच रेडी करना है क्योंकि लंच करके जाएंगे और जल्दी निकलना है इसलिए लंच में कुछ खास नहीं बनाऊँगी तो मेरे पास मशरूम अवेलेबल है इस टाइम तो मैं फटाफट क्या चीज़ बना सकती हूँ 10 मिनट में खाना रेडी हो जाएगा तो चलिए पहले लंच रेडी कर लेते हैं तो लंच के लिए आज मेरे पास कुछ दाल पड़ी है जो लेफ़्ट ओवर है मैंने पालक डाल के बनाई थी और साथ ही मशरूम बना रही हूँ तो पहले मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया है थोड़ा सा उसमें गार्लिक डाला है कट करके और साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ अनियन थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए अनियन तो साथ ही हम उसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद उसमें ऐड करने के मशरूम तो 5-7 मिनट आपको पकाना है इसको मशरूम को और ये बहुत इजीली बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती तो ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट और अब इसको पकने दें और थोड़ा सा ऐड करूँगी उसके बाद मिल्क इससे ग्रेवी जो है वो बहुत ही वाइट बनती है और थिक बनती है और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरिगैनो जो कि सीजनिंग है जो हम पिज़्ज़ा सीजनिंग लेके आते हैं वो है ये और उसके बाद ऐड करूँगी इसमें चिली फ्लेक्स सेम ऐसे ही मैं कई बार पनीर भी बनाती हूँ वो भी बहुत यमी बनता है तो साथ ही मैं 2 क्यूब्स ऐड कर रही हूँ इसमें चीज़ के और चीज़ को मेल्ट होने दें अच्छे से और उसके बाद बस ये रेडी है तो बस ये देखिए मेरा लंच है आज का पालक वाली दाल साथ में मशरूम करी और एक चपाती ले रही हूँ मैं साथ में अगर आपको ये बोला जाए कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है तो क्या फिर भी आप बार बार पूछेंगे कि क्या सरप्राइज है क्या अगर बता दिया कि क्या सरप्राइज है तो फिर सरप्राइज किस चीज़ का तो ये मैडम पीछे बैठी है और कंटिन्यूसली इसने मेरे कान खा लिए हैं पूछ पूछ के कि प्लीज थोड़ा हिंट दे दो कि हम कहाँ जा रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं तो बताओ क्यूरियोसिटी तो होती है ना अंदर से तो क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा बोलो कि कूल डाउन हो जाओ हम पहुँच रहे हैं बेटा चलो आया आइडिया कि हम कहाँ आए हैं मुझे गाड़ी लेके दे रहे हो स्कूटर लेके दे रहे हैं स्कूटर लेके दे रहे हो या चलो 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 ये सब बेस मॉडल में कॉस्ट करता है आपको 70,000 ये मिड मॉडल है ये कॉस्ट करता है 70,000
देखो इसको नींद आ रही है लड़की को, अभी एक घंटा और लगेगा। पीले बच्चे कॉफ़ी पीले, बिस्किट नहीं आने वाला यहाँ पे। चीयर्स। अभी बात कर रहे थे कि जैसे ये फ़ोन है मिस्टर कुलदीप का, ये कम से कम कितने साल पुराना है? ये 4 साल। ये 4 साल पुराना है। इसके पहले एक और फ़ोन था नोकिया का, उसके पहले जो फ़ोन था एक मुझे याद फोन है। था वो फ़ोन था जो शाहिद कपूर की मूवी थी देखो उसमें था ना, वो बड़ा फ़ोन था। हाँ शाहिद कपूर की एक मूवी थी विवाह, उसमें जो फ़ोन था शाहिद कपूर के पास वो फ़ोन था तुम्हारे पास। हाँ और वो फ़ोन इनका चोरी कैसे हुआ था? मैं कैंटीन में गया था कुछ लेने, इंटरवल में कुछ लेने गया था। जब लेने गए थे तो मेरे दोनों कुछ ना कुछ ट्रेन पकड़ी हुई थी। अब वहाँ पर पीछे से धक्का पड़ रहा था, अभी आगे चलो उसके बीच में किसी ने उसमें किसी ने गायब कर लिया। एक बार ये हुआ था, एक बार तुम्हारी साइकिल भी चोरी हुई थी ना जब तुम्हारी एज क्या थी तब? 15-16 साल की एज में तुमने साइकिल गुम की थी निर्माण थिएटर के बाहर, है ना? निर्माण थिएटर जो कि 32 में है, वहाँ पर कैसे गुम हुई थी तुम्हारी साइकिल? हमने पार्किंग में अंदर नहीं लाई साइकिल, बाहर लाई और साइकिल साइकिल हटाई, अपनी साइकिल बीच में लगा के साइकिल जब आए वापस तो हमारी साइकिल चल रही थी। 4-5 साइकिलों के नीचे छुपा दी अपनी साइकिल, और जिस बंदे ने चोरी की उसने सारी साइकिल साइड हटा दी और इनकी साइकिल चुरा के ले गई। वेरी तो बस हम यहाँ पे बैठ के टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि अभी स्कूटी मिलने में 1 घंटा बोल रहे हैं और लगेगा। कितना टाइम हो गया? 3:00 तो मैडम की कोचिंग स्टार्ट होगी 3:45 पे, तो छोड़ आते हैं इसको पहले। एक्टिवा है, इसमें एक फीचर और ऐड किया है उन्होंने, पहले वाले पुराने वाले में ये नहीं था। तो ये है, ये शटर जो है वो बंद हो जाता है, जहाँ पे आपने की जो डालनी है इसका शटर बंद हो जाएगा। ये करोगे ओपन तो शटर बंद हो जाएगा, यहाँ पे चाप भी नहीं लगेगी, तो मतलब स्कूटर चुराने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो इसको खोलने के लिए आप इसको ऐसे करते रहोगे तो ये खुलेगा नहीं। इसका खोलने का जो प्रोसीजर है, ये की है, नॉर्मल की है ये, तो की के इधर वाली साइड पर एक छोटा सा होल बना हुआ है, इस होल को हम यहाँ इधर नहीं पर इधर हम डालेंगे इसको, और इसको इसमें टिकाया और इसको खोल दिया। देखिए खुल गया। ये जो नया फीचर है मुझे काफ़ी पसंद आया है। आ गई सही सलामत, ब्रेक है सही सलामत आ गई, आराम से लियो। कह रही बैठ गए, अब बैठ तो गए आप, नहीं नहीं कह रही है बैठ गए, सुन आप बैठ रहे वो नहीं बैठ पा रही है। चलो वो नीचे गिर गई है, पापा बहुत भारी है इसलिए मैं कैसे चलाऊं, और आप पापा मैंने चला रहा सेम चीज, ये सेम चीज मेरे साथ हो रही थी, सेम चीज इसके साथ बैठना, इट्स लाइक तो बैठ जा, तू तो पहले बैठा हुआ है, तू बैठ जा, चले जाओ बेटा, कुछ नहीं होता, वो पहले भी तो आप बैठे हुए हो ना उसके। ध्यान से जाना, और सुनो आज बरसात हो रही है ना, बहुत ज़्यादा कीचड़ है, सिर्फ एक ही राउंड इधर का लगाओ और वापस आ जाओ। We'll see. We'll see. क्या बोल रहा है? अगर मुझे कुछ हुआ ना 7 जन्मों तक याद करते रहोगे। 7 जन्मों तक गुड एक्सपीरियंस। चलो अब मैं टेंशन फ्री हूँ कि मेरे बच्चे कहीं भी जा सकते हैं अपने आप।
अब मुझे उनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गुड लक जैस्मिन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय। अब ये हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं एक गेड़ी पे, यू नो लॉन्ग ड्राइव। हम जा रहे हैं क्या करने? लॉन्ग ड्राइव पे। बस हो गया बा। पापा को भी स्कूटर चलाना सिखा दिया। हाउ वाज योर लॉन्ग ड्राइव मैम?